हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी हब। आज हम भारत की महारत्न कंपनियों के बारे में जानेंगे। ये जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेलवे और एसएससी एग्जाम्स के लिए, जो हमेशा ही एसएससी और रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हमारी पहली महारत्न कंपनी है ONGC, जिसका फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन होता है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में स्थित है। हमारी दूसरी कंपनी है HPCL, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1974 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हमारी तीसरी महारत्न कंपनी है GAIL, इसका फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारी चौथी महारत्न कंपनी है भेल, इसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित। हमारी पांचवी महारत्न कंपनी है PFC, यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारी छठी महारत्न कंपनी है PGCIL, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। सातवीं महारत्न कंपनी है NTPC, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारी आठवीं महारत्न कंपनी है कॉल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। हमारी अगली महारत्न कंपनी है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। दसवीं महारत्न कंपनी है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारी ग्यारहवीं महारत्न कंपनी है SAIL, इसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।